वेलकम टू माय चैनल अलख निरंजन एकेडमी हारमोनियम ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोग के लिए बॉलीवुड सॉन्ग ये तो सच है कि भगवान है हारमोनियम से कैसे आप निकालेंगे, इस पे मैं एक लेसन लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं किसी भी सॉन्ग को निकालने से पहले उसके नोट्स की जानकारी सबसे अति आवश्यक मानी जाती है कि उसमें कौन कौन से नोट्स लगते हैं। इसमें तो बहुत सारे वाइट की एंड ब्लैक की है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आजकल हारमोनियम जो बन रही है इसमें सा रे ग म प ध नी, ये सारे ग म प ध नी सात सुरों के एक समूह को सप्तक कहते हैं। ये मंद्र सप्तक यानी लो ऑक्टेव है। और सेकंड सा रे ग म प ध नी मध्य सप्तक यानी मिडिल ऑक्टेव एंड सारे गामा पाधानी हाई ऑक्टेव यानी तार सप्तक। तो जितने भी वर्ल्ड के जितने भी मैक्सिमम सॉन्ग होते हैं वो मिडिल ऑक्टेव में सिंगिंग किए जाते हैं। तो मिडिल ऑक्टेव की स्टार्टिंग सी शार्प स्केल, ये सी है, आप देख रहे हैं इसको मैं पुश कर रहा हूं। तो सबसे पहली वाइट की यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक ये आपको दिख रही है, ये भी पुश हो रही है। ये व्हाइट की से ही इसकी बनावट शुरू हुई हारमोनियम की, इसको हम सी बोलते हैं। सी के बाद सी सात, वेस्टर्न में होता है सी डी ई एफ जी ए बी, और इसी को हम कह सकते हैं सा रे ग म प ध नी सा। तो सी सी से ना बनाकर मैं सी साफ से इस सॉन्ग का नोटेशन बना रहा हूं, आप ध्यान से देंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मिडिल ऑक्टेव से मुझे प्ले करना है, लेकिन इतने व्हाइट एंड ब्लैक की है इसमें कौन कौन से सुर लगेंगे यानी कौन कौन से नोट्स लगेंगे। तो आइए पहले हम इसको समझते हैं। ये राग भैरवी में यानी ये तो सच है कि भगवान, ये गीत राग भैरवी में कॉम्पोजिशन किया गया है। तो पहले हम भैरवी के नोट्स को पहले देख लेते हैं। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। इसे मैंने क्या किया, रे ग ध एंड नी, आप देख रहे हैं ये चार मैं कोमल स्वर का प्रयोग मैंने किया, रे ग ध एंड नी। लेकिन इसमें एक जैसा कि भैरवी में बारह स्वर को प्रयोग किया जाता है, तो भैरवी में एक स्वर शुद्ध का यानी शुद्ध गंधार का भी प्रयोग कभी कभी होता है इस सॉन्ग में। तो आइए शुरू करते हैं लेसन, एक बार स्वर को देख लीजिए। सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। अब यहां सा से शुरू करेंगे, सा म ध सा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप मां बाप की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है। स्थाई समाप्त होने के बाद ये बीच में मैंने म्यूजिक बजाया, जो म्यूजिक पीस है इससे सॉन्ग में चार चांद लग जाते हैं। एक बार फिर देखिए, थोड़ी स्पीड में कम कर दे रहा हूं इसकी। ये तो सच है कि भगवान है, हाँ पर मैं रुका दूसरी लाइन में,
है मगर फिर भी अनजान है। पापर, और तीसरी लाइन में धरती पे रूम माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो ये तो सच है कि भगवान है, धाप मैंने स्टॉप किया, और है मगर फिर भी अनजान है पॉप स्टॉप किया, और तीसरी लाइन धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है माँ पर। यानी पहली लाइन के लास्ट में आप स्टॉप करेंगे ध पर, दूसरी लाइन के लास्ट में प पर, और तीसरी लाइन की म पर, और उसके बाद म्यूजिक की पीस बजाएंगे कैसे। सामधा 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 निधा प, वन बीट में डबल स्वर करें निधा प। सामधा 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 निधा प, और दूसरी लाइन म्यूजिक पीस की सागा पा नी नी धा पा मा। अब दोनों को एक साथ मिक्स करके यानी जोड़कर मैं बजा रहा हूँ। रेडी वन टू थ्री स्टार्ट। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे नोट्स बजाया सामधा 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 थ्री टाइम निधा प। सामधा 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 निधा प। सेकंड लाइन म्यूजिक की सागा प नी निधा प म। ये हुआ अस्थाई की नोटेशन आप कैसे निकालेंगे, और उसके बाद अस्थाई की लाइन के बाद म्यूजिक की पीस कैसे निकलेगी। इसके बाद अब आते हैं अंतरा पे। अंतरा की स्टार्टिंग कोमल धारा शुरू करते हैं। जन्मदाता है जो हाई ऑक्टेव सा पर, जो जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला पॉप आकर रुके। फिर देखिए जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, और तीसरी लाइन थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। फिर देखें आप धस है जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। इसके बाद हो ओ करके आता है हो 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 हो। देखिए जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। अंतरा कंप्लीट, और इसी अंतरे पे आप इसके नोट्स देख लिए, इसी अंतरे पे बाकी से सभी अंतरे के लिरिक्स इस पे आप निकाल सकते हैं, और उसके बाद फिर वही स्थाई वाली लाइन आ जाएगी। ये तो सच है भगवान पर आधारित। कितने उपकार हैं का कहे, ये बताना ना आसान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है
इस तरह से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी हारमोनियम से धीरे धीरे एक सॉन्ग, दो सॉन्ग, तीन सॉन्ग ऐसे करते करते आप हारमोनियम से सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। आपके पास कीबोर्ड हो, आपके पास सिंथेसाइजर हो, आपके पास ऑर्गन हो, आपके पास हारमोनियम हो, कुछ भी आप कह लीजिए, उसमें व्हाइट एंड ब्लैक यही दो तरह की होती है, मैं हारमोनियम पर बता रहा हूँ। अब आप एक साथ देखिए, ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, से प्रयास करेंगे तो आप भी हारमोनियम पे प्ले कर सकते हैं या सिंथेसाइजर पर। बस आज के लेसन में यहां तक, फिर आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट सॉन्ग लेकर, आपके फरमाइश के अकॉर्डिंग भी सॉन्ग में बनाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी जानकारी यानी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।